स्वागत है आप सभी का तफ्तीश की इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। हम आपको अगले आधे घंटे में दिखाएंगे जुर्म की सबसे बड़ी खबरें। उन खबरों की करेंगे तफ्तीश, अपराध की वजहों की करेंगे पड़ताल, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन अपराधों का समाज पर कितना असर पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं तफ्तीश की आज की कड़ी। देश के 6 राज्यों में यूपी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई का बड़ा असर दिखने लगा है। महाराष्ट्र के मुंब्रा में जिस संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक नजीम ही वो शख्स है जो आतंकी संगठन आईएस के लिए हिंदुस्तान में लड़कों की फौज खड़ी करना चाहता था। शुरुआती पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि ये मॉड्यूल देश में महिलाओं का दस्ता तैयार करना चाहता था। एटीएस की गिरफ्त में आईएस का हैंडलर, देश में महिला आतंकी दस्ता बनाने की कोशिश, युवाओं को आईएस में शामिल कराने की साजिश, सोशल मीडिया से आतंक का खेल। आतंक के खिलाफ देश के 6 राज्यों में कल यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की थी। यूपी एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मुंबई से सटे मुंब्रा से नजीम अहमद को गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र एटीएस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई से सटे मुंब्रा से नजीम की गिरफ्तारी सबसे बड़ी मानी जा रही है। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक नजीम ही वो शख्स है जो आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए भारत में लड़कों को रिक्रूट तो करता ही था, उनके निशाने पर महिलाएं भी थी। बताया जा रहा है कि नजीम के संपर्क में देश के कई शहरों में कई लड़के हैं। नजीम शमशाद अहमद पर यूपी में भी एक केस दर्ज है। नजीम को लेकर एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि नजीम खुद से रेडिकलाइज्ड था और इसने देश भर में तकरीबन 10 से ज्यादा युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल कराने के लिए रेडिकलाइज किया था। इनमें से 2 संदिग्धों से मुंबई एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। नजीम की गिरफ्तारी के बाद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि यह मॉड्यूल अपने गिरोह में कुछ महिलाओं को भी शामिल करना चाहता था ताकि जांच एजेंसियों को महिला सदस्यों पर शक न हो और वो आसानी से किसी आतंकी वारदात को अंजाम दे सके। सूत्रों के मुताबिक यह मॉड्यूल सबसे पहले युवाओं की पहचान करता था, फिर उनसे सोशल मीडिया पर दोस्ती करता था और उसके बाद मैसेंजर एप्लीकेशन के जरिए उनसे चैटिंग करता था। बताया जा रहा है कि चैटिंग के दौरान वो भड़काऊ साहित्य और वीडियो की मदद से टारगेट युवाओं को पहले उकसाने और उनका ब्रेन वॉश करने का काम करता था। मुंबई एटीएस की टीम अब ये जानने में जुटी है कि क्या ये मॉड्यूल महिलाओं को बरगलाने में कामयाब हुआ है। ये मॉड्यूल अब तक किन किन महिलाओं से संपर्क साधा है। 5 राज्यों से गिरफ्तार किए गए आतंकियों को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों ने आतंकी हमला करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक बेच दी थी। इस ग्रुप को नहीं पता था कि कैसे हमला करना है, लेकिन उनके हैंडलर्स ने उनको लोन उल्फ अटैक करने के लिए कन्विंस किया था। दरअसल इस मॉड्यूल का मकसद हर हाल में माहौल को बिगाड़ना था। सूत्रों के मुताबिक आतंक के हैंडलर्स की सिर्फ आईडी होती है, कोई चेहरा नहीं होता। उस आईडी के पीछे 1, 2 या 3 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। बहरहाल नजीम जैसे संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद देश का माहौल बिगाड़ने की मंशा रखने वालों को करारा जवाब मिला है। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने बता दिया है कि हिंदुस्तान का अमन और चैन किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और जिसने भी देश के साथ धोखा या गद्दारी की उनका भी वही अंजाम होगा जो नजीम और उसके साथ पकड़े गए संदिग्धों का हुआ है। राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7, मुंबई। मुंबई से सटे ठाणे में हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला मर्डर का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है।
इस वीडियो में एक शख्स अपने ही साथी पर चाकुओं से तब तक हमला करता है जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उधार का पैसा मांगने पर मर्डर, दोस्त ने दोस्त को चाकुओं से गोद डाला, एक युवक पर चाकुओं से सैकड़ों हमले, ठाणे में हैवानियत की हद पार। मुंबई के ठाणे से सटे भिवंडी में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। यहां एक युवक पर एक साथ चाकुओं से सैकड़ों हमले किए गए। जिस शख्स पर चाकू से हमले किए जा रहे थे वो रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन जो शख्स युवक पर हमला कर रहा था उसके सिर पर खून सवार था। वो किसी भी सूरत में युवक की न सिर्फ जान लेना चाहता था बल्कि उसे भयानक मौत देना चाहता था। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये संख किस तरह से इस युवक पर चाकू से हमला कर रहा है। पुलिस ने इस वीडियो फुटेज के आधार पर दो लोगों को अरेस्ट किया है। अब हम आपको हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल इस हत्याकांड को लेकर दो थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी के मुताबिक जिस शख्स पर चाकू से हमला किया गया उसका नाम प्रेम है। प्रेम ने अपने दो दोस्तों नीलेश महात्रे और मंदार तरे से कुछ पैसे उधार लिए थे। बताया जा रहा है कि बार बार पैसे मांगने के बावजूद वो पैसे नहीं लौटा रहा था। इस बात से नाराज नीलेश और मंदार ने प्रेम का मर्डर कर दिया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक नीलेश की चचेरी बहन से प्रेम प्यार करता था, लेकिन उनका ये रिश्ता नीलेश को पसंद नहीं था। उसने कई बार प्रेम को समझाया भी था लेकिन वो नहीं माना, और इसी बात से नाराज दोनों ने प्रेम को मौत के घाट उतार दिया। मर्डर की एक खौफनाक वारदात बिल्डिंग की छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हत्या से पहले प्रेम की बुरी तरह से पिटाई की गई और फिर चाकू से कई बार वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी मंदार तरी और नीलेश महात्रे को अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अमित राय, इंडिया 24/7, मुंबई।